हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी के चीफ व्हिप कंवरपाल गुर्जर है। सर, आज की जो अविश्वास प्रस्ताव के चलते जो कार्यवाही है उस पर पूरे प्रदेश के लोगों की नजरें टिकी हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार को पूरा, सरकार के प्रति पूरा विश्वास है, जनता में भी और हाउस में भी। और जहां तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने खबरों में रहना था, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ताल ठोकनी शुरू कर दी थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। आम जनता में इस प्रकार का होता है कि शायद अविश्वास प्रस्ताव के बाद कोई बड़ा परिवर्तन होता है। आमतौर पर तो ज्यादातर अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाए जाते हैं कि वो कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लेंगे। बोलने के लिए तो हमने पहले भी नानी की, पिछली बार भी हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर आप इन बिलों के ऊपर बोलना चाहते हैं तो हम अनलिमिटेड टाइम देने के लिए आपको तैयार हैं, आप बोलिए। एक आदमी आपकी तरफ से बोलेगा, एक हमारी तरफ से बोलेगा, आपके 30 के 30 विधायक इस बात पे बोल सकते हैं। लेकिन वो वॉकआउट करके चले गए थे। लेकिन आज भी अगर वो कहना चाहते हैं तो आज बोलना चाहते हैं तो निश्चित तौर से उनका स्वागत है और ये उनका अधिकार भी है कि वो अपनी बात रखें। और अभी तक सेशन में आपने देख लिया, अभी तक वो कोई भी खामी नहीं बता सके बिलों में। जब मैंने गीता बुक्कल जी को कहा कि भाई आप काला कानून कह रहे तो आप कम से कम काला बता दो क्या है, लेकिन वो बता नहीं सकी। जब गीता बुक्कल नहीं बता सकी तो बाकी तो कौन सा था जो बताएगा। तो वो सीनियर मेंबर है, उनकी मिनिस्टर भी है, एक्स मिनिस्टर भी है। तो अब आज हुड्डा साहब बोलेंगे तो निश्चित तौर से मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो भी बताए कानून में क्या कमी है। इसके साथ ही सर, संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ आप बीजेपी के चीफ व्हिप है, साथ ही जो आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, नियम क्या कहता है विश्वास प्रस्ताव पर, नियम क्या कहता है? नहीं, नियम तो यही है कि देखिए उसमें मत विभाजन होता है, वो स्पष्ट है कि वो अध्यक्ष ने निर्णय करना होता है कि किस प्रकार से कराना है। वो उसमें साफ दिखेगा, स्पष्ट दिखता है कि किस साइड में लोग ज्यादा है, किस साइड में कम है। खड़े करवाने की नियम है या फिर कैसे? वो स्पीकर साहब का जो है एक विशेषाधिकार है, वो जो नियम उस टाइम के हिसाब से जरूर समझता है तो उस प्रकार से उसका कर लेता है। वो आवाज से भी हो सकता है, वो हाथ से भी हो सकता है, मतदान से भी हो सकता है, वो जैसा भी वो अध्यक्ष निर्णय करता है वैसे होता है। सर, जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं यानी जननायक जनता पार्टी, वो आपका समर्थन कर रही है, आपके साथ गठबंधन में भी, लेकिन देवेंद्र बबली कहते हैं कि जब किसानों की समस्या का समाधान नहीं तो दुष्यंत चौटाला को धर्म नहीं रह गया कि अब सरकार में वो बने रहे। देखिए, वो उनकी अपनी राय है और मेरा ख्याल उसके बारे में अगर ज्यादा बात है तो वो उनकी पार्टी इसके बारे में बात रखेगी, लेकिन ये स्पष्ट उसने कहा कि मैं सरकार के साथ हूँ। जो व्हिप जारी किया जाता है सर, उसकी क्या नियम है? व्हिप जारी करने के पीछे क्या वजह रहती है कि क्या विधायक बाहर नहीं जा सकता पार्टी लाइन? व्हिप का मतलब एक है कि उसको उपस्थित रहना जरूरी है, दूसरा वो पार्टी लाइन पे चलेगा क्योंकि जो भी मेंबर है वो पार्टी लाइन पे चलते हैं और सब पार्टी के साथ बंधे होते हैं। तो व्हिप का मतलब यही है कि वहाँ उपस्थित होना, और पार्टी की लाइन तो है ही उसमें साथ ही। राजनीति में आपका लंबा अनुभव है सर, इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार में आया हो, सरकार गिरी हो, कोई आपका पुराना अनुभव सर? नहीं, मेरे ध्यान ऐसा नहीं है अभी कोई। चौटाला साहब के टाइम में एक बार आया था विश्वास, जब मैं विधायक था, उसके बीच में भी शायद आया होगा, लेकिन मैं उस टाइम विधायक नहीं था, पर मेरे ख्याल से आया नहीं है, शायद उसी टाइम आया था। एक बार प्रस्ताव बंसीलाल की सरकार में आया, उनको मालूम हुआ कि सरकार गिर सकती है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। हाँ, उन्हें पहले ही उसका निर्णय ले लिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था तो उन्होंने दे दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया। आज कोई खतरा नहीं है सरकार के पास, पूरा आंकड़ा है। बिल्कुल 100 कोस तक भी कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सरकार में। हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री और बीजेपी के मुख्य संचेतक कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखी है और ये कहा है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। विपक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि ये जो कानून है इनमें काला क्या है, और यही वजह है कि विपक्ष जो है वो चर्चा करने के बजाय भागता हुआ सदन से दिखता है। ये कंवरपाल गुर्जर का कहना था। देखना होगा आज अविश्वास प्रस्ताव पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह टिकी है, खासतौर पर किसानों की निगाह जरूर टिकी रहेगी। जो अविश्वास प्रस्ताव पर किस तरीके से नियम क्या रहेंगे, वोटिंग होगी, ध्वनि मत से वोटिंग होगी, हाथ खड़े कर वोटिंग होगी, वो स्पीकर को तय करना है, ये जानकारी भी कंवरपाल गुर्जर ने दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सेवर आपका और हमारे सहयोगी अमित शर्मा न्यूज रूम से बने हुए थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अविश्वास प्रस्ताव की अग्नि परीक्षा में आखिर क्या होगा, इस पर भी लगातार जनता टीवी की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।